दोस्तों ये जो आप लोग वीडियो समय देख रहे हो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि केवल 13-14 साल का एक लड़का जिसकी उम्र बहुत ही कम है और वो बड़े बड़े जो मस्कुलर लोग हैं जिनकी बहुत मस्कुलर बॉडी है उनको बड़े ही आसानी से आर्म रेसलिंग में हरा दे रहा है। ये केवल एक मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, और भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि वो बहुत सारे ऐसे लोगों को हरा रहा है जिनके बहुत बड़ी बड़ी मसल्स हैं और जो कि बहुत ज्यादा मस्कुलर है। क्योंकि इसकी बॉडी में मसल्स तो नहीं है लेकिन इसके बॉडी में स्ट्रेंथ है, इसकी बॉडी में ताकत है। ये केवल मैं एक लड़के का आपको एग्जांपल नहीं दूंगा, आपको एक और मैं यहाँ पे वीडियो दिखाता हूँ जो कि एक नॉर्मल सा लड़का है जिसकी बहुत ज्यादा मसल्स भी नहीं बनी है और वो लैरी व्हील्स जैसे बड़े बॉडी बिल्डर को कितनी आसानी से आर्म रेसलिंग में हरा दे रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको वीडियो के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए दिखाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ताकत चाहिए तो इसके लिए आपको बड़ी बड़ी मसल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपके शरीर में ताकत होगी तो आप बड़ी बड़ी मसल्स भी बना पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर में ताकत लाओ, अपने हाथों में ताकत लाओ। और आज का मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूं, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, साथ में एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनको करके आप घर पे ही अपने हाथों को अपने कलाइयों को बहुत ज्यादा मजबूत बना पाओगे। और जब एक बार आपका हाथ मजबूत हो गया तब आप जिम में या घर पे कैसी भी एक्सरसाइज करोगे भारी भारी डंबल से एक्सरसाइज कर पाओगे और जो भी भारी भारी वेट उठा पाओगे। और जब आप भारी वेट उठाने लगोगे तो आपकी बॉडी बड़ी ही आसानी से बन जाएगी। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते, सीधे एक्सरसाइजेस पे आते हैं। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है बोलते हैं नकल पुशअप। अब देखिए नकल पुशअप को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इस एक्सरसाइज को मैंने पहले भी आपको बताया है लेकिन आप लोगों ने मेरे से कहा था कि हमसे नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब पहले पहले आप इस एक्सरसाइज को करो तो आप अपने घुटनों पे इस एक्सरसाइज को करो, पूरे पैर को सीधा करने की जरूरत नहीं है। और अपनी मुट्ठियों को बंद करके इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से आप परफॉर्म करो और आप देखोगे कि धीरे धीरे जो आपकी कलाइयां हैं, जो आपके फोर आर्म्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 से 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की जो कि काफी अच्छी एक्सरसाइज है, इसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग पुशअप, जो कि आप लोगों को दीवार पे करना है और आप लोगों को अपनी उंगलियों के सहारे पे अपने शरीर को कुछ इस तरीके से रख के एक्सरसाइज को करना है। ये हमारा बेसिक स्टेप है इस एक्सरसाइज का। और जब आप लोग धीरे धीरे एक्सरसाइज करने लगो तो उसके बाद में आप लोग हल्का सा इंक्लाइन होकर कुछ इस तरीके से आप लोग इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। इससे आपकी जो फिंगर्स है, आपका जो पंजा है, आपके जो फोरआर्म्स है वो बहुत तेजी से स्ट्रांग होते हैं। उसी के साथ में जब आप लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ जाओ, मतलब और अच्छे से करने लगो, तो आप लोग इसको जमीन पे पूरा सीधा सीधा आप लोगों को कुछ इस तरीके से पुशअप को करना होता है। ये एक्सरसाइज के भी आपको करने होंगे 3 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिस एक्सरसाइज को करके आपके फोर आर्म्स ऑल ओवर जो आपका आर्म है वो भी पूरा अच्छे से ट्रेन होता है। इस एक्सरसाइज में आपको किसी कपड़े को जो कि मजबूत कपड़ा हो, जो कि आपका वेट उठा पाए, उसको किसी चीज में लटका देना होता है। अगर आपके पास पुलअप बार नहीं है तो किसी भी चीज में आप लोग लटका सकते हो और उस कपड़े को पकड़ के आपको बस लटकना होता है और आप जितनी देर लटक सको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है आपके फोर आर्म्स के लिए, आपकी रिस्ट के लिए, आपकी कलाइयों के लिए बहुत ज्यादा मजबूत बनाती है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 3 सेट करना है लेकिन तीनों सेट में आपको ये ध्यान रखना है इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। तो इसके लिए आपको जितना समय आप दे पाओ, जितनी देर तक लटक पाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों केवल ये 3 एक्सरसाइज करके आप अपने फोर आर्म्स को, अपने रिस्ट को, अपने हाथों को मजबूत बना सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लोग जिम ज्वाइन करते हैं या कोई भी भारी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें भारी भारी डंबल उठाना, तो वो आप बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने देख रहे हैं आप, होल करिए देखिए आप, अब आप क्या बोलेंगे यार ऐसी वेंस। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बॉडी कितने टाइम में बनती है। बॉडी बनती है 3 से 4 सालों में अगर आपका गोल प्रोफेशनल नहीं है। अगर प्रोफेशनल गोल है तो 5 साल, तो 20 साल इनकी उम्र है योगेश भाई की। आप देख रहे हो भाई बिल्कुल नॉर्मल लड़के ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल पतले से, कोई मसल मास नहीं, कोई कुछ नहीं, बस उनको बस जिम जाने का शौक होता है और वो जिम जाना शुरू कर देते हैं। अगर योगेश सीरियस